नमस्कार, मैं अभिषेक भट्टाचार्य। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की पहली अपडेट पर। जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है विजयपुर से, जहां डकैतों के चुंगल से छूटे रामस्वरूप यादव की मौत हो गई है। रामस्वरूप यादव डकैतों के चुंगल से छूटे थे, उनकी अब मौत हो गई है। मौत के बाद परिवार वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। थाने के बाहर शव रखकर हंगामा किया जा रहा है। आपको बता दें, खिड़काई में 3 महीने पहले अपहरण हुआ था। अपहरण के दौरान डकैतों ने उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की थी। अब रामस्वरूप यादव की मौत हो चुकी है। विजयपुर में डकैतों ने 3 लोगों को अगवा किया था, जिनमें से 2 को तो छोड़ दिया गया, लेकिन 1 3 महीने तक अगवा रहा, जिसे आखिरकार डकैतों ने छोड़ा जरूर। चुंगल से छूटा रामस्वरूप यादव हालांकि जिंदा नहीं बचा। डकैतों ने काफी बुरी तरह से पिटाई की थी। कोई बात नहीं है, ये रामस्वरूप यादव जी की आज इलाज के दौरान वहाँ पे डेथ हो गई है ग्वालियर में। तो जो थाना कंपू है ग्वालियर, वहाँ पर मर्ग कायम किया गया है और वो मर्ग हम लोग यहाँ बुला रहे हैं। अभी हमारा जैसे इस बार गया हुआ है, वो मर्ग डायरी और जो इलाज के दस्तावेज और इन लोगों के बयान, उन्हें हम लोग लेके और उसमें विधि सम्मत कार्रवाई बहुत जल्दी करेंगे। उससे इन लोगों की हम बात सुनेंगे और इनका जो कहना है उसके आधार पे हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, हम उस आवेदन का परीक्षण करेंगे और उसमें जो विधि सम्मत चीज़ें आएंगी उन पर हम लोग कार्रवाई। नहीं, यदि सुरक्षा की बात आती है तो हमारे ये थाना प्रभारी समीक्षा करके यदि ऐसा लगेगा सुरक्षा के लिए लाइसेंस जरूरी है तो वो हो जाएंगे, उसमें कोई इस पर। इस वक्त विजयपुर से हमारे साथ अमित सिरोटिया जुड़ चुके हैं। अमित, डकैतों से छूटने के बावजूद भी बचाया नहीं जा सका रामस्वरूप को, क्या जानकारी आपके पास? जी, करीबन जी 3 महीने पहले जो पकड़ हुई थी धनकर की खिड़काई के पास, जो करीबन आज उसकी डेथ हो चुकी है, तो परिजनों ने काफी हंगामा किया थाने पर आकर और उनकी मांग थी कि उन पर धारा बढ़ाई जाए। और इसी बीच पुलिस ने भी काफी समझाइश दी है, जब जाकर वो माने हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित।